चलिए आज का ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्लास 8 से उठाए गए क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन है और हम ट्राई करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10 का भी क्वेश्चन इसी प्रकार से आप तक पहुंचा सके वीडियो के माध्यम से। एक क्लास 8 के एक छात्र है जिनके द्वारा ये क्वेश्चन दिया गया है, वही पूछे आदित्य कुमार नेटवर्क डैम के एक छात्र है, उन्होंने ही ये कमेंट किया है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और ट्राई करेंगे आगे भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए ला सके। क्वेश्चन है, राजू इज 19 ईयर यंगर देन हिज कजन। पहले तो स्टेटमेंट पढ़िए, तुरंत उतार दीजिए। अब राजू के कजन्स हैं तो डायरेक्ट लिखिए कजन्स लेट द कजन्स एज बी एक्स, डायरेक्ट लिख दीजिए कजन का एज एक्स है। राजू का ही कजन है, दूसरा किसी का कजन हो नहीं सकता है क्योंकि राजू और उसके कजन का ही कहानी चल रहा है। लिखता है राजू का जो एज है 19 साल छोटा है, डायरेक्ट लिखिएगा सो या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राजूज एज विल बी, राजूज एज विल बी एक्स माइनस 19, एक्स माइनस 19। आपसे कोई अगर छोटा हो तो आपके एज में से उनका एज घटा दिया जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही इसी प्रकार का यहां भी है, कजन का एज एक्स है, वो छोटा है राजू से, सॉरी राजू छोटा है कजन से, तो राजू का एक्स माइनस 19 ईयर हो जाएगा क्योंकि घट जाएगा आफ्टर 5 ईयर। अब यहाँ पे आप लिखिएगा आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद आफ्टर 5 ईयर क्या लिखिएगा, कजन्स का एज, कजन्स एज, कजन्स एज विल बी, कजन्स का एज कितना होगा 5 साल के बाद, 5 उसमें सिंपली आपको जोड़ देना। आप ही के एज में से अगर पूछा जाएगा कितना एज होगा, अगर आपका 15, 16, 17 है, अगर 5 साल बाद का पूछा जाए आप उसमें 15, 16, 17 में 5 रेस्पेक्टिवली जोड़ सकते हैं और एज आपको पता चल जाएगा। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे राजूज एज विल बी, राजू का एज कितना होगा 5 साल के बाद का, इसमें भी 5 हम लोग जोड़ देंगे, एक्स माइनस 19 प्लस 5 ईयर लिखेंगे। आप ध्यान से देखिएगा एक्स माइनस प्लस माइनस होता है, 19 से 5 जाएगा 14 हो जाएगा, एक्स माइनस 14 ईयर यहाँ पे लिख सकते हैं। 5 साल बाद का भी पता चल गया, प्रेजेंट एज भी पता चल गया, इसमें आप लिख सकते हैं लेट द प्रेजेंट एज, ताकि आपको आसानी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि 5 साल बाद का रेशियो दिया है एज का। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 प्लस एक्स। देखिए कजन पहले है, यहाँ पे राजू पहले है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, राजू के एज को पहले लिखेंगे एक्स माइनस 14, क्योंकि आपको इसके अनुसार चलना है, राजू और कजन, पहले राजू फिर कजन आता है, क्योंकि यहाँ पे 2:3 जो दिया है, 2 राजू के लिए दिया है, कजन के लिए 3 दिया है, तो यहाँ भी आपको राजू का एज पहले उतारना है 5 साल बाद वाला, और कजन का नीचे लिख देना है। ठीक है, और इस तरफ आप लिखेंगे 2:3 है तो 2/3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करा दीजिएगा बहुत आसानी से, 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेगा इस तरह लिखिएगा एक्स माइनस 14 और इधर 2 × 5 + x। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, 3x - 42 = 10 + आपका हो जाएगा 2x, इतना आपका हो गया। ठीक है, अब इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा 3x, अब देखिए एक तरफ वेरिएबल वाला को लेके जाएंगे और एक तरफ कांस्टेंट वाला को, तो 3x और ये 2x उधर चला गया -2x और 10 इधर हो गया -42, इधर आने के बाद +42 हो जाएगा। अब बताइए x बराबर कितना हुआ, 52 हो गया, ये 52 ईयर एज आ गया। ठीक है, अब आपको समझना है कि कजन का एज प्रेजेंट वाला निकालना है, देखिए, और राजू का भी प्रेजेंट वाला, देखिए कजन का एज प्रेजेंट एज कितना था, प्रेजेंट एज सिंपल लिखिए प्रेजेंट एज और यहाँ पे लिख दीजिए कजन, कजन एज, ये कजन्स एज, एक्स माने थे आप एक्स और एक्स बराबर आपका आ गया 52 ईयर ही आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा राजू का एज है, राजू का एज है, राजूज एज लिख दीजिएगा यहाँ पे और ये कितना है x माइनस 19 ईयर, 52 - 19 आप यहाँ पे कर दीजिएगा, अब 52 - 19 कीजिएगा तो 12 से आपका 9 हो जाएगा, तो आपका 3 हो जाएगा और इधर आपका कितना हो गया 4 से गया आपका 3 हो गया, यानी कि 33 हो गया, 52 - 19 = 33 साल, यानी कि राजू का एज 33 और इसका 52, इस दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए, आपको वहां पर जो दिखाएगा 19 साल का डिफरेंस उसी के बारे में यहाँ पे बात चल रहा है। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस 19 ही आएगा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करना था। अब बहुत बच्चे यहाँ तक लाने के बाद क्वेश्चन यहीं पे आके छोड़ देते हैं या फिर कजन्स का एज जो राजू का एज 5 साल बाद वाला उसमें पुट कर देते हैं। आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में प्रेजेंट एज पूछ रहा है कि 5 साल बाद वाला पूछ रहा है, अगर 5 साल बाद वाला पूछेगा यहाँ पुट कीजिएगा, अगर प्रेजेंट पूछ रहा है तो आपको ऊपर पुट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपका दोनों का आंसर आ गया 52 ईयर और सॉरी 52 ईयर कजन्स का और 33 ईयर आ गया राजू का, यानी कि राजू 19 साल छोटा है अपने कजन से, जैसा क्वेश्चन में लिखा भी है कि राजू इज 19 ईयर यंगर देन हिज कजन, ये आपको एक प्रकार से प्रूफ भी हो गया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।